Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. So guys, कैसे हैं आप लोग? और आज हम बात करेंगे लाभ और हानि के बारे में, यानी प्रॉफिट और लॉस के बारे में. प्रॉफिट और लॉस के बारे में आपने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी काफ़ी ऐसे योग होते हैं जो बताते हैं कि कैसे आपको प्रॉफिट होता है, कैसे आपको लॉस होता है. और ज़्यादातर जो कुंडली का जो 11th हाउस है वो प्रॉफिट के लिए देखा जाता है, या कोई प्लेनेट अगर अपने से 11th अवे गया है तो उसको भी प्रॉफिट के लिए देखा जाता है. तो प्रॉफिट के ऐसे बहुत सारे योग हैं आपकी कुंडली में, लेकिन आज जिस योग के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही डिफरेंट है. तो यहाँ पर हम प्रॉफिट और लॉस दोनों की बात करेंगे. लॉस के लिए देखा जाता है 8th हाउस को जाना जाता है, 12th हाउस को जाना जाता है. कोई प्लेनेट अगर 8th हाउस में आ गया है, 12th हाउस में आ गया है, या 6th हाउस में आ गया है, या अपने से 12th अवे चला गया है, तो वो कई बार हमें लॉस भी करवाता है. तो लॉस और प्रॉफिट दोनों एक अलग चीज़ हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है. आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी वजह के बारे में जिसके बारे में शायद कभी आपने सोचा भी ना हो. बहुत ही यूनिक, बहुत ही डिफरेंट. क्योंकि ये जो चीज है ये इतनी सिंपल है और इतनी आसान है, जिसको समझने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपको जो लॉस हो रहा है या आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है. और जबकि उसका कोई योग नहीं बना कुंडली में, कोई दशा नहीं चली, फिर भी आप प्रॉफिट में हैं. समझ में नहीं आ रहा कि यार ये प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ. तो इसकी जो बहुत ही सिंपल वजह है वो ये है कि आपको देखना है राहु और केतु की प्लेसमेंट को. राहु और केतु किसी हाउस से अगर 11th अवे आते हैं तो वो प्रॉफिट और लॉस करवाते हैं. केतु इनिशियल लाइफ में आपको प्रॉफिट करवाता है, बाद में वो लॉस की तरफ आपको लेके जाता है. राहु इनिशियल लाइफ में स्ट्रगल करवाता है, बाद में प्रॉफिट की तरफ लेके जाता है. तो इसको जानने का सिंपल तरीका ये है कि जैसे राहु आपके सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है यानी लगन के बाद का जो सेकंड हाउस होता है वहां पर राहु प्लेस्ड है, तो राहु यहां पर 4th हाउस से 11th अवे आ गया है. 4th हाउस यानी प्रॉपर्टी, 4th हाउस यानी होमलैंड, 4th हाउस यानी एग्रीकल्चर से संबंधित कोई काम, होमलैंड से संबंधित कोई काम या होमलैंड के अंदर कोई काम, लोकल गवर्नमेंट के अंदर कोई काम, एजुकेशन से संबंधित कोई काम, फार्मिंग से संबंधित कोई काम, इन सब कामों से आपको सडनली गेन हो सकता है बिकॉज आपके जो गेन में राहु बैठा हुआ है. यानी 4th हाउस का जो गेन हाउस है वो है 2nd हाउस, 4th हाउस से 11th हाउस, और वहां बैठा है राहु, तो आपको मासिव गेन करवा सकता है. जब भी राहु की दशा चलती है या जब भी 4th हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है तो आप मासिव गेन कर सकते हैं. इसी तरीके से राहु अगर आपके 4th हाउस में है तो वो 6th हाउस से 11th अवे बैठा है जाके, यानी 4th हाउस में अगर राहु बैठा है तो वो 6th हाउस से 11th अवे चला गया. 6th हाउस का संबंध है जॉब से, 6th हाउस का संबंध है मिनिस्ट्री सर्विस से, 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है हीलिंग को, 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है डेप्थ को, डिजीज को, फाइटिंग को, लिटिगेशन को, कोर्ट केसेस को. तो इन सब चीजों से आपको सडनली गेन मिल सकता है बिकॉज इसका जो गेन हाउस है यानी जो 4th हाउस है उसमें राहु बैठा हुआ है. अब राहु अगर आपके 10th हाउस में बैठा है तो जो 10th हाउस है वो 12th हाउस का 11th हाउस है. 12th हाउस का 11th हाउस आपका 10th हाउस अगर वहां पर राहु बैठा हुआ है
और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड की दशा चलती है या राहु की दशा चलती है तो आप ट्वेल्थ हाउस की चीजों से गेन कर सकते हैं, यानी फॉरेन सेटलमेंट से गेन। आपकी जो भी सोच है, जो भी आप इमेजिन कर रहे हैं, उन सब चीजों के थ्रू गेन। अगर आप कोई राइटर हैं, कोई फैंटेसी राइटर हैं, नॉवल वगैरह लिखते हैं, या किसी चीज को इमेजिन करके कुछ आप काम करते हैं, तो उन सब चीजों से आपको मासिव गेन हो सकता है। मासिव गेन की बात इसलिए कर रहा हूं कि राहु आपके गेन को एम्पलीफाई करता है, सडनली आपको गेन हो सकता है। एक आदमी गेन करता है हजारों में, लाखों में, एक आदमी गेन करता है कि जहां पर आपका यही नहीं पता कि आप कितना गेन कर जाओ सडनली, एकदम लाखों में, करोड़ों में, या उससे भी ज्यादा। तो सडन गेन, राहु का मतलब है सडन गेन और मासिव गेन। तो राहु आपके टेंथ हाउस में बैठा है तो ट्वेल्थ हाउस की चीजों से आपको सडनली गेन हो सकता है, या राहु की दशा में या ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड की दशा में। बट इसमें यह भी चीज देखनी पड़ेगी कि जैसे राहु जो है वो इनिशियल लाइफ में लॉस करवाता है, लॉस मतलब जहां पर राहु की प्लेसमेंट होती है वो चीजें हमारे पास बहुत कम होती हैं। उन चीजों के लिए हमारे अंदर एक डिजायर पैदा हो जाती है कि इन चीजों को मुझे पाना है, मैं इन चीजों को पाना चाहता हूं। इसका मतलब यह है कि शुरुआती जीवन में वो चीजें आपके पास बहुत कम होती हैं, या उसके सोर्सेज बहुत कम होते हैं, या अगर वो चीजें हैं तो आपकी जो डिजायर है वो उससे ज्यादा है, जितनी चीजें आपके पास है उससे ज्यादा आपकी डिजायर है, तो आप उसको पाने की कोशिश करेंगे। बिकॉज राहु क्या है? आपकी उम्मीद, आपकी डिजायर, आपका फ्यूचर। तो राहु अगर टेंथ हाउस में है तो आपकी जो डिजायर है वो ये है कि मुझे पब्लिक विजिबिलिटी मिले, मुझे सोशल विजिबिलिटी मिले, मेरा नाम हो, मुझे फेम मिले, मेरा कैरियर बने और लोगों के बीच में मेरा अपना एक स्टेटस बने। तो ये आपके राहु की डिजायर है आपके टेंथ हाउस में। तो राहु जो है वो ओल्डर एज में अच्छा काम करता है, यानी जैसे जैसे आपकी एज ग्रो होती है वहां पर राहु आपको बेनिफिट देना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ केतु क्या काम करता है? केतु आपको इनिशियल लाइफ में चीजें देगा, जहां पर केतु बैठा है वो चीजें हो सकता है आपको इजीली मिल जाएं, लेकिन बाद में केतु वहां से आपको सेपरेट करना शुरू कर देता है, यानी पहले प्रॉफिट करवाता है बाद में लॉस करवाना शुरू कर देता है। और जबकि राहु जो है पहले उन चीजों के लिए हमें स्ट्रगल करवाता है, बाद में राहु उन चीजों को हमें देना शुरू कर देता है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है राहु और केतु के बीच में। अब केतु अगर आपके सेकंड हाउस में है और आपका कोई रेंटल बिजनेस है, रेंटल मतलब कि आपने अपनी प्रॉपर्टीज को दिया हुआ है, वहां से रेंट आ रहा है, ऐसा कुछ आप काम कर रहे हैं, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो रेंट है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है, यानी जो आपकी बिल्डिंग है वो खाली पड़ी है, रेंट नहीं आ रहा। शुरुआत में रेंट आ रहा था, बाद में आना बंद हो गया। और प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं आप, बाद में आप देख रहे हैं कि मुझे लॉस हो रहा है, शुरुआत में प्रॉफिट हुआ था, बाद में लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तमाम एस्ट्रोलॉजर को आपने अपनी कुंडलियां दिखा मारी हैं लेकिन लॉस की वजह समझ नहीं आ रही। लॉस की वजह यह है कि फोर्थ हाउस का जो गेन हाउस है वहां पर केतु बैठा हुआ है, यानी फोर्थ हाउस यानी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का काम, एग्रीकल्चर से संबंधित चीजों का काम, फार्मिंग का काम, एजुकेशन का काम, इन सबके गेन हाउस में केतु चला गया है। तो केतु क्या करेगा? पहले गेन करवाएगा, बाद में लॉस करवाएगा। फोर्थ हाउस में केतु बैठा है, सिक्स्थ हाउस की चीजों से पहले गेन करवाएगा, बाद में लॉस करवाएगा। यानी अगर आप कोई मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री सर्विस में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो शुरुआत में गेन कर रहे हैं, बाद में देख रहे हैं लॉस हो रहा है, ये कैसे हो रहा भाई, समझ में नहीं आ रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो आपका सिक्स्थ हाउस है उसका जो गेन हाउस है उसमें केतु बैठा हुआ है। तो शुरुआत में गेन, बाद में लॉस। टेंथ हाउस में केतु बैठ गया, ट्वेल्थ हाउस की चीजों से पहले गेन होता है, बाद में लॉस होता है। पहले गेन कैसे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम कर रहे हैं,
काफी पैसा आ रहा है, मोटा पैसा आ रहा है, लेकिन बाद में लॉस 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 लॉस। तो किसी भी हाउस के गेन हाउस में, मतलब जैसे फर्स्ट हाउस का गेन हाउस कौन सा है, फर्स्ट हाउस का जो गेन हाउस है वो है आपका 11th हाउस। वहां देखें आप राहु या केतु कौन सा प्लेनेट है, राहु बैठा है तो लगन की चीजों से गेन करवाएगा, यानी जो भी आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आपका व्यक्तित्व है, जो भी आपका ऑरा है, जहां भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो इंडिविजुअली पर्सनली, उन सब चीजों से आप गेन करोगे। केतु अगर बैठा हुआ है तो शुरुआती जीवन में गेन करवाएगा, बाद में लॉस करवाएगा। 12th हाउस में राहु केतु बैठे हैं तो 12th हाउस जो है वो सेकेंड हाउस का गेन हाउस है। फर्स्ट हाउस में राहु केतु बैठे हैं तो थर्ड हाउस का गेन हाउस है। सेकेंड हाउस में राहु केतु है तो फोर्थ हाउस का गेन हाउस है। थर्ड हाउस में राहु केतु है तो आपके फिफ्थ हाउस का गेन हाउस है। फोर्थ हाउस में राहु केतु है तो सिक्स्थ हाउस का गेन हाउस है। फिफ्थ हाउस में राहु अगर केतु है तो ये सेवेंथ हाउस का गेन हाउस है। तो फिफ्थ हाउस में अगर राहु केतु हैं और अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं और राहु अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो पार्टनरशिप से संबंधित चीजों को लेके आपको गेन करवाता है। यानी कोई भी अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के साथ एलियांस किया, पार्टनरशिप की, या आपकी मैरिज हुई, तो आप गेन करेंगे बिकॉज आपके गेन हाउस में राहु आ गया है। इसको अगर सही तरीके से अगर हम समझते हैं तो सेवेंथ हाउस मैरिज है और फिफ्थ हाउस क्या है, चाइल्ड बर्थ। तो मैरिज का गेन क्या हुआ, चाइल्ड, राइट। और वहां अगर केतु बैठ गया तो यानी चाइल्ड बर्थ का लॉस करवाता है, कई बार बच्चे को अबॉर्ट करवा सकता है या किसी भी प्रकार का लॉस हो सकता है अगर फिफ्थ हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है। और जबकि राहु अगर फिफ्थ हाउस में बैठा है तो बोला जाता है सर्प दोष बोला जाता है, लेकिन राहु बैठने का मतलब ये नहीं है कि चाइल्ड का लॉस ही होगा। राहु बैठने का मतलब ये है कि आपकी डिज़ायर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होगी, कि आपको बच्चों की नीड बहुत होगी, उसके लिए आप कर्मा करेंगे, उसके लिए आप कोशिश करेंगे। तो सेवेंथ हाउस का जो गेन हाउस है वो है फिफ्थ हाउस, यानी सेवेंथ हाउस यानी मैरिज, फिफ्थ हाउस यानी चाइल्ड बर्थ, मैरिज के बाद चाइल्ड बर्थ। तो यहां पर राहु केतु बैठे हैं तो राहु आपको गेन करवाएगा, केतु आपका लॉस करवाएगा। तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जितने भी पर्टिकुलर हाउसेज हैं वहां पर राहु और केतु कहां बैठे हैं और वो किस हाउस का गेन हाउस है। दूसरा, इसके साथ आपको यह भी देखना है कि राहु केतु जिस हाउस में बैठे हैं उस हाउस के लॉर्ड की पोजिशन क्या है। अगर आपने देखा कि किसी पर्टिकुलर हाउस के 11th हाउस में राहु बैठा है और आप बोल रहे हैं कि मुझे तो गेन होना चाहिए, मुझे लॉस क्यों हो रहा है, तो जहां पर राहु केतु बैठे हैं यानी जहां पर राहु बैठा है उस हाउस के लॉर्ड की पोजिशन क्या है। उस हाउस के लॉर्ड की पोजिशन को देखना बहुत जरूरी है, कहीं वो कमबस तो नहीं है, कहीं उसके ऊपर केतु सैटर्न का कोई एस्पेक्ट तो नहीं है, कहीं वो सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में तो नहीं है, कहीं वो रेट्रोगेट तो नहीं है। तो इन सब चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज आपको ये भी देखनी है कि राहु और केतु जिस हाउस से 11th अवे जाके बैठे हैं, जिस हाउस से 11th अवे यानी फोर्थ हाउस से अगर 11th अवे जाके बैठे हैं तो फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजिशन क्या है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजिशन को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसी के थ्रू आप उन चीजों को कमा रहे हैं, फोर्थ हाउस के थ्रू उन चीजों को आप अर्न कर रहे हैं। फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर केतु के साथ है, सैटर्न के साथ है, फोर्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर केतु या सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है, या फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका सिक्स्थ हाउस में, एट्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में चला गया है, तब भी आपको लॉस करवा सकता है। तो इन सब चीजों को देखना भी बहुत जरूरी है। खाली ये नहीं कि आपने देखा कि फोर्थ हाउस से 11th अवे राहु है, मुझे तो गेन होना चाहिए, गेन क्यों नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजिशन को देखना बहुत जरूरी है और फोर्थ हाउस से जो 11th हाउस जो बनता है यानी जहां पर राहु और केतु बैठे हैं उसके हाउस की लॉर्ड की पोजिशन क्या है।
सो गाइस, आज मैंने आपको बताया बहुत ही डिफरेंट टॉपिक के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने राहु और केतु के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।